सह्याद्री। सह्याद्री की खूबसूरती और रौद्र रूप अगर एक साथ आ जाए तो ये नज़ारा अविस्मरणीय होता है। और इसी सह्याद्री के मालसेस घाट में बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स भी है। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मालसेस घाट रीजन का सबसे बड़ा वाटरफॉल, कालू वाटरफॉल। यह वाटरफॉल अप्रॉक्सीमेट 1200 फीट के ऊंचाई से 5 स्टेप्स में नीचे आता है और ये नज़ारा आपकी लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। कालू वाटरफॉल का बेस यानी कि गॉड्स वैली पहुंचने के लिए आपको पहले पहुंचना होगा सावरने विलेज। सावरने विलेज ये मालसेस घाट में एक छोटा सा गांव है और ये मुंबई से अप्रॉक्सीमेट 110 किलोमीटर और पुणे से अप्रॉक्सीमेट 140 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो दोस्तों, मालसेस घाट रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे एक ग्रीन गेट होगा, ये है सावरने विलेज का एंट्री पॉइंट। यहाँ से एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा रास्ता ठीक ठाक है बट आगे जाके बहुत खराब है। तो अगर आप कार लाए हो तो आपको थोड़ा पहले पार्क करना पड़ेगा और अगर आप बाइक लाए हो तो आप जा सकते हो एंड फर्स्ट रिवर क्रॉसिंग के यहाँ पे पार्क कर सकते हो। So, hey guys, कैसे आप सब? I hope you are doing absolutely great. So guys, आज हम लोग आए हैं कालू वाटरफॉल एंड अभी भाई जस्ट कितनी खतरनाक ऑफ रोडिंग हुई है एंड वो भी मेरे इस नाजुक से परी के साथ। पूरी गंदी हो गई है वो, पूरी गंदी। एंड ये तो बंदा भाई इतनी भारी गाड़ी लेके आया है, इसको ही मालूम कैसे लेके आए भाई। बहुत खतरनाक ऑफ रोड है वो। सो ये है फर्स्ट रिवर क्रॉसिंग एंड अभी यहाँ से पूरा क्रॉस करके जाना है। आज फ्लो नहीं है इतना बट बहुत बारिश हो गई ना तो बहुत फ्लो रहता है, इसमें बहुत संभल के जाना पड़ेगा। गाइस बहुत सुंदर है, देखो बहुत सही, ये देखो डुबकी लगा डुबकी। तो आज हम लोग सुबह सुबह निकल आए क्योंकि हमें जल्दी जाना है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी आए। नहीं तो ऐसे हम लोग 7-8 बजे निकल जाते हैं बट आज हम लोग 5 बजे निकले। गाइस ये रिवर क्रॉस करते हो ना बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा भाई सुकून सा मिल रहा है। इतना ट्रैवल करके आए ना बट वर्थ इट है, एकदम वर्थ इट, मजा ही मजा, वाह। हम लोग ट्रैक करते हुए 70-60% आ चुके हैं एंड भाई यहाँ से दो वाटरफॉल्स दिख रहे हैं, एक वहाँ पे माउली वाटरफॉल है एंड एक यहाँ पे कालू वाटरफॉल है। एक सेकंड, वो देखो गाइस द मैजेस्टिक कालू वाटरफॉल। भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाने के लिए, बहुत ज़्यादा। अभी जस्ट 20 मिनट रह गए वाटरफॉल जाने में एंड ये जो मेन रिवर है आज कुछ भी फ्लो नहीं, क्योंकि आज बारिश नहीं है इसलिए कुछ भी फ्लो नहीं, तो बहुत इजीली क्रॉस कर सकते हैं हम लोग। नसीब हमारा अच्छा ही है आज फ्लो ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे रोप के पैसे ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए अच्छा हुआ कि आज बारिश नहीं है। ये लोग यहाँ पे खाना वीना खा रहे, नाश्ता कर रहे। मैं तो घर से करके आया भाई, अपन जहाँ भी निकलते वहाँ पे पहले घर से नाश्ता, पहले पेट पूजा फिर बाकी काम पूजा, ठीक है। तो अभी हम दोनों ही चाय पियेंगे, बाद में पियेंगे।
गाइस हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं एंड बस एकदम सुकून भरा, क्या बोलूं यार, इतना मस्त फील हो रहा है ना। देखो वहाँ पे बहुत सारा फॉग है, एक्चुअली ये कैमरा में कैप्चर नहीं होगा क्योंकि फॉग है ना पूरा वहाँ पे, वो पार्ट ठीक से कैप्चर नहीं होता। आज बहुत कम फ्लो है ना, तो यहाँ पे ना वो आगे जो बच्चे लोग खड़े हैं ना वहाँ पे रोप लगती है, रोप से उस पार जाना पड़ता है, बट आज इतना फ्लो नहीं है तो हम लोग नॉर्मली जा सकते। हम लोग वहाँ से घूम के वापस आ गए, दूर से देखा कि वो थोड़ा इजी है, तो वहाँ पे गए भाई, वहाँ पे जाके दिखा कि वो भी हमसे ना हो पाएगा, इसलिए वापस आ गए हम लोग। यहाँ पे यहाँ पे अभी प्रयास चालू है हमारे एक बंदे का, ये बात ये दोनों तो जा चुके हैं, मेरी हाइट कम है। गाइस हम लोग कैसे आए हमें ही पता भाई, दूर से एकदम कम फ्लो दिखता है लेकिन यहाँ से देखो भट्ट के हाथ में खतरनाक आया है, खतरनाक। एंड यहाँ पे सुन लो शूज इतने स्लिप होते हैं ना भाई, गाइस हम लोग यहाँ से आए थे यहाँ से, ठीक है, वहाँ पे फ्लो ज्यादा था इसलिए वापस पीछे गए, एंड पीछे से कैसा क्रॉस किया है मैंने मेरे को ही मालूम, चिल्ला चिल्ला के मेरा पूरा गला बैठ गया है मालूम। नहीं नहीं तो अभी थोड़ा सा इंक्लाइन है फिर वहां पे हम लोग पहुंचेंगे, बहुत ज्यादा इंक्लाइन है। ना इंक्लाइन करके हम लोग वाट लग गए आज फुल। तो गाइज हम लोग फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, एंड गाइज ये वाटरफॉल ये एक्चुअली 5 स्टेजेस में गिरता है, बट यहाँ पे हमें बस 1 2 3 ही स्टेजेस दिख रहे, बाकी के 2 नीचे। थोड़ा स्ट्रगल था आने में बट इट्स वर्थ इट यार, अभी ये सारों के रील्स निकालेंगे, हम भी कुछ सिनेमेटिक निकालेंगे, देन अब बस सिनेमेटिक चेक कर।